यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू रामानंद ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज सुबह 5:55 हो चुका है और मैं आया था दौड़ने, तो मेरे दोस्त कुछ लोग पबजी खेलने और मैं आया था थोड़े मंदिर में मत्था टेकने। तो मैं जैसा आपको दिखा रहा था, हमारे यहाँ जो ये ग्राउंड है इसमें देखिए पानी भर चुका है और इधर ये तालाब है, ये तो पूरा पानी से फुल है। तो एक मेरा दोस्त आया, वो कह रहा भाई 100 मीटर लगाना है, तो ये आज ये 100 मीटर लगाएगा, आप सब किसकी भी वीडियो दिखाएंगे। तो गाइस मैं आपको मंदिर से आगे लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे पबजी खेल रहे हैं, तो उनसे कहता हूँ भाई 100 मीटर लगा लो। वो लोग दौड़ के लगा के, आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। ये जब से पबजी BGMI आया ना, तो एक्सरसाइज करना बंद कर दिए हैं। तो ये लोग अब एक्सरसाइज करने को मैं बोल रहा हूँ वो नहीं कर रहे। ठीक है, अब 100 मीटर की रेस देखते हैं, लगाते हैं कि नहीं। तो गाइस ये बैठे हैं दुर्गेश, इसको कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था, ये इंस्टाग्राम चला रहा है। ओह तो दिखा रही था, ये कह रहा है दिख नहीं रहा तेरी, ये देखो इंस्टाग्राम चला रहा है ये। और ये बैठे हैं, ये ट्रक और ये भाई है जो हमारा, ये भाई है झूलन गोस्वामी को बहुत बड़ा फैन है। ये पबजी खेल रहा है, ये देखो ये लोग ये दौड़ने आते हैं तो उसे रनिंग नहीं हो पाते और ये पबजी खेला। और ये भाई है 100 मीटर सुखा है। ये लोगों को ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 100 मीटर की रेस लगाइए। तो गाइस यार मेरा पोपट हो गया, लोग रेस मारने को मना कर दिए पबजी खेलने के चक्कर में, क्या करूँ। तो फाइनली यार ये लोग मान गए रेस लगाने को, तो रेस लगाने जा रहे हैं। तो गाइस यार सब लोग जा रहे हैं, अब कोई बात नहीं मान रहा, सब पोपट हो गया, अब मैं भी घर चलता हूँ। तो फिर पोपट हो गया मेरा भी, कोई बात ही नहीं माना रेस लगाने को, अब घर चलते हैं। आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। ये रहा हमारा पिच ग्राउंड था, हम तो बाय। तो फाइनली अपने दोस्त के घर पहुँच गए हम। और ये रहा उसका कुआं जहाँ मैंने कल आपको उसका व्लॉग दिखा रखा था, मतलब घर नहीं दिखाया था मैंने, ये रहा उसका घर। फाइनली अब उसके साथ थोड़ा मिल लिया, थोड़ा बात बात हो गई, अब जा रहा हूँ मैं अपने घर। अपने घर का थोड़ा व्लॉग दिखा दूँगा आपको, फिर चलते हैं, मैं ब्रश व्रश करते हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो बस ये है मेरा घर, भगवा रंग में मेरा घर बन रखा है, मेरे पापा फेवरेट कलर है। और मैं अपने घर के आसपास दिखा देता हूँ, ये हमारे थोड़ा सा हमने वो बना रखा है, इधर हम थोड़ी सी फसल वसल जैसे कुछ भी नॉर्मल सब्जी उगा लेते हैं। मम्मी ने इसको इतना साफ़ करवाया, देखिए कितना क्लीन दिख रहा होगा, ये मैंने साफ़ किया परसों, इतना पसीना आ रहा अंदर। मेरे ये बड़े पापा का घर है, वो लोग रहते नहीं है, तो अंदर भी सफाई चल रही है। और ये घर इतना काम कर करके थक गया। और ये भी मेरे भैया का घर है, ये लोग मुंबई में रहते हैं। मेरे दोस्त लोग बुला रहे हैं कि आओ चलो चलते हैं वही कुएँ के पास, तो आपको कुएँ के पास लेके चलता हूँ। और उसमें प्रशांत है जो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, उन्हीं के पास चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आपको बाहर का भी मैं दिखा देता हूँ अपने गांव का, मैं आपको अपने गांव का वो टूर दूंगा एक दिन, आप लोग कमेंट करना। अब वो हमारा क्यूट, अरे चुप रहो, चुप। ये रहा वही क्यूट, ज्यादा फुर्तीला होती है ये, देखो बिल्ली पता, बिल्ली हाँ। ये रहा मेरा दोस्त प्रशांत, ये ओम, और ये आए हुए लोग बैठे हुए हैं एक कुएं के पास, हम बैठे हुए हैं। इसको तो आप इंट्रोडक्शन, हाय बोलो, हाय हाय, वाओ कितना क्यूट है। सच कह ले, गूगल सच कह ले, ये कुत्ता प्रेमी एंड पेट प्रेमी बता रहा है। नीचे वाले में बिल, ये बेहुदा दोस्त ने अभी से खाना शुरू कर दिए, जलेबी समोसा दही जलेबी, यू लाइक इट जलेबी। वो जान बांध दिया ना, अच्छा अच्छा अच्छा, इनको भी कुछ दही, मेरा बेना दही है, पानी ना वाला जलेबी और समोसा, ये दही कितना था ना भैया। फाइनली सब लोग खा पी लिए, सब लोग हमने, ये रहा हमारा प्रशांत, इतना कलुआ है वो दिखता भी नहीं है कहाँ है। और ये रहा मोंटी, सब खा के चौड़ी आ रहे हैं। आ भैया पाल, राम राम भैया, राम राम। तो गाइस अब एंड करते हैं व्लॉग का, रात को अब कल अगर आपको इसके बाद का देखना तो मैं कल आपको जाऊँगा, बाय।